के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे उनका छियासी साल की उम्र में कल मुंबई में निधन हो गया रतन टाटा ने कल रात मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था कल रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में भारी भीड़ भी जुटी कॉरपोरेट जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी यहां पहुंची राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है थोड़ी देर में ही पारसी रीति रिवाज के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी इस वक्त मुंबई के एनसीपीए से जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था और अब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी है आज शाम को ही पारसी रीति रिवाजों के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार भी होना है तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से आप देख रहे हैं जहां पर अब तैयारी दिख रही है रतन टाटा की अंतिम यात्रा की एन से लेकर अंतिम संस्कार के स्थल तक ये उनकी अंतिम यात्रा और पूरा देश आज जैसे गमकीन है उद्योगपति थे रतन टाटा लेकिन इस तरीके के उद्योगपति कि उन्होंने एक आम आदमी के दिल में अपनी अलग जगह बनाई थी बहुत सम्मान पाया अन्य उद्योगपतियों से राजनेताओं से समकालिक लोगों से लेकिन आम जनता में एक उद्योगपति के लिए इतना प्यार ऐसा देखने के लिए कम मिलता है तो लोगों के दिलों पर भी रतन टाटा ने राज किया भारतीय उद्योग जगत पर भी रतन टाटा ने राज किया आ, उनकी आ, जो पूरी यात्रा रही एज ए कॉरपोरेट लीडर वो बेमिसाल है लगातार उन्होंने क्या क्या किया आपकी स्क्रीन पर यह आप सब देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने टाटा ग्रुप को एक इंडियन मल्टीनेशनल का दर्जा दिलवाया किस तरीके से बड़े बड़े अधिग्रहण किए किस तरीके से उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया और उनके इस योगदान को हर कोई मानता है लेकिन उन सबसे ऊपर रतन टाटा एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति के तौर पर इतना बड़ा व्यक्तित्व इतनी सादगी उद्योग जगत के शिखर पर होने के बावजूद जिस तरह का सादा जीवन उन्होंने दिया जिस तरह के विचार उनके थे जिस तरह का दृष्टिकोण रतन टाटा के पास था सबके लिए प्रेम सबके लिए सहयोग सबके लिए करुणा और यही रतन टाटा को एक ऐसी शख्सियत बनाता है जिसने सबके दिलों पर राज किया और यही कारण है कि ना सिर्फ आज एक उद्योग जगत के अंदर या उनके जानने वालों के अंदर एक एक, एक अफसोस एक दुख है लेकिन एक तरह से पूरा देश जो कि उनके प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ था चाहे वो नमक हो चाहे वो फिर एयर इंडिया हो या टाटा की कार हो एक कनेक्ट था रतन टाटा का लोगों से देश है आज चलिए हम चलते हैं सीधे ही जहां हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल मौजूद है कंचन क्या अपडेट है आप तैयारियां हैं वर्ली में हैं, वो है वो बाफ कीजिए जहां पर से अंतिम यात्रा गुजरेगी लेकिन हम एक अपडेट लेते हैं कंचन क्या अपडेट है जी जी यहाँ पे रतन टाटा जी को लेके आया जा रहा है ये भारत के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा आज देश की नम आंखों से विदाई दे रहे हैं वो आज आखिर तौर पे विदाई तो ले रहे हैं लेकिन जो उनकी यादें हैं जो उनका विजन है वो हमेशा ही इंडिया के साथ रहेगा और काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की तो वो भी अभी थोड़ी देर पहले अपनी फैमिली के साथ इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे अभी कुछ ही देर में उनकी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया जाएगा और आखिरी अलविदा आज हम रतन टाटा जी को यहाँ पे करने वाले हैं बहुत सारी चीजें हैं जो वो हमारे देश को सिखा के गए हैं और उनकी सिखाई हुई चीजें आज ही नहीं बल्कि हमेशा हमारे साथ रहेगी कुछ ही देर में अमित शाह जी यहाँ पे आने वाले हैं और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी काफी लोगों ने यहाँ पे अपना एक दुख जताया है रतन टाटा जी के नाम काफी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और आप देखिए कि अगर एक भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिनकी आंखें इस टाइम पे नम नहीं होगी हर किसी की आंखों

उठ पड़ी है लेकिन कुछ यादें हैं जो वो हमारे साथ छोड़ के जा रहे हैं कुछ ऐसे पल हैं कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे विजन्स हैं जिन जिन विजन्स की वजह से इंडिया आज यहाँ तक पहुँच पाया है जी कंचन तो अब से कुछ ही देर में हम ये जो दृश्य देख रहे हैं फिलहाल एन सी पी से हैं लेकिन कंचन जहां मौजूद थे ने वरली ये पूरा रास्ता है जहां से होके रतन टाटा की ये अंतिम यात्रा निकलेगी जैसा कंचन बता रही थी जैसा हम सब जानते हैं कि हर कोई खास हो आम हो सबके दिलों में रतन टाटा ने एक अलग जगह बनाई थी और यही कारण है कि एक उद्योगपति का इस तरीके से एक अंतिम यात्रा में एक अंतिम दर्शन के लिए इस तरह के जो भाव उमड़े हैं लोगों के बीच चाहे आम जनता हो राजनेता हो उद्योगपति हो कम देखने को मिलता है इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा है कि रतन टाटा एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे प्रधानमंत्री आज आसियान समिट के लिए लाहौस में हैं। उन्होंने फोन पर रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से बातचीत कर पूरे परिवार के प्रति संवेदना जताई है गृहमंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंचे हुए हैं एनसीपीए में अमित शाह ने टाटा परिवार और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जताई और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आ, रतन टाटा जी को समर्पित की इससे पहले अमित शाह ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो एक सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त थे सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं रतन टाटा जी मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा परन्तु न केवल भारतीय उद्योग जगत के पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे टाटा समूह का नेतृत्व तो करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व तो ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी था पूरे उद्योग जगत तो में की लहर है आरायल के चेयरमैन आकाश अंबानी भी नरिमन पॉइंट स्थित एनसीपीए पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रतन टाटा को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने भी कहा कि रतन टाटा एक आदर्श पुरुष थे उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जीवन ऐसा था कि वहाँ से आ, बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ आ, सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई कई तरह से तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे उनको आ, अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24 बाय 7 इज आउटस्टैंडिंग पर्सन देश में एक महापुरुष खो दिया ये कहना है बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स बायो 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 की एग्जीक्यूटिव चेयर पर्सन किरण मजूमदार शॉका किरण ने कहा कि देश का लाल नहीं रहा और उनका मन बहुत भारी है रतन टाटा वाज अ ग्रेट मैन A great mind and a great son of India. I learned of his sad demise uh, a few hours ago, and I just felt so empty because he was someone I knew very well. I used to spend quality time with him and did so even very recently just to discuss. Um, you know, what was happening in the startup economy. He was so invested in tech startups. Uh, he used to uh, invest in life technologies, life sciences, and he was always so fascinated at the intersection of digital technologies and life sciences. And that's what I shared with him uh, in terms of uh, our shared interests. Um, I think the whole nation uh, obviously is in mourning. Um, we have lost a great man, an amazing man, and he gave so much of his thought leadership, his philanthropy, and in his own words, he wanted to remember, he wanted to be remembered as a man who made a big difference, and he did. I think what Ratan Tata did for India uh, will go down forever. Rest in peace, Om Shanti. इस बीच रिलायंस uh, इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रतन टाटा uh, जाने माने भारत के उद्योग जगत के लिए uh, जाने माने उद्योगपति थे और उनका जाना भारत के उद्योग जगत के लिए एक दुखद दिन है और एक बड़ी क्षति है अंबानी ने कहा कि उन्होंने एक करीबी दोस्त को खो दिया है देश ने अपना एक महान और दयालु बेटा खोया है नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश ने अपना कोहिनूर खो दिया है एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा ये भारत का कोहिनूर हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूंगा और रतन टाटा ये हमारे में नहीं रहे ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केकी मिस्त्री जो कि एच बैंक के पूर्व माफ कीजिए एच के पूर्व सीईओ वो पहुंचे हैं और कई ने लोग रतन टाटा का जो कनेक्ट था जो संबंध था एक उद्योगपति तो वो थे लेकिन किसी के लिए जब आपके मन में प्यार होता है किसी के लिए आपके मन में जब आदर होता है तो वो एक अलग दर्जा रखता है और वो आज आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलेगा भारत का उद्योग जगत भारत के राजनेता आम जनमानस सब यहाँ अंतिम श्रद्धांजलि अंतिम दर्शन के लिए और अभी तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एन सी पी ए से जब आप उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी उनकी अंतिम यात्रा में आम आदमी जो कि टाटा से रतन टाटा से उनके अलग अलग प्रोडक्ट भारत का नमक बनाया हो चाहे उन्होंने जिसको एक ब्रांड कैंपेनिंग की तरफ से टाटा का नमक यानी भारत का नमक से लेकर चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो चाहे वो टाटा की कार हो कोई भी ऐसा टाटा का प्रोडक्ट जो कि आपको अपने जीवन के हर हिस्से में मिल जाएगा वो था रतन टाटा का भारत के लोगों के साथ कनेक्ट उन्होंने बताया कि भारत में रहते हुए भी कैसे आप ईमानदारी के साथ एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उस बिजनेस को इतना बड़ा बना सकते हैं कि वो देश का पर्याय बने देश का प्रतीक बने ट्रू मल्टीनेशनल उन्होंने आ, सपना देखा कि वो टाटा ग्रुप को बनाएंगे और उन्होंने उसे बना दिया रतन टाटा की खास बात ये रही कि अपने अंतिम समय तक जो उनका प्यार था जो उनका पैशन था बिजनेस उसको नहीं छोड़ा एक आंतरप्रन्यर तो थे लेकिन स्टार्टअप्स के साथ बहुत गहरे से जुड़े थे शक्तिकांता दास साहब आर के गवर्नर आप देख रहे हैं उनको तो तमाम लोग उनसे जिस तरह से जुड़े हैं जिस तरीके से उनका एक कनेक्ट था सुहेल सेठ साहब एक इंटरव्यू आपने जो आजकल में लगातार देखा होगा सी एन आवाज़ के ऊपर सी एन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां 2017 में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की और बताया कि क्या उनका विजन रहा और वो आगे भारत के लिए क्या सोचते हैं किस तरीके से देखते हैं तो ये सारी बातें हैं जितनी बातें की जाए कम है आज हम इसी तरह अपनी श्रद्धांजलि देंगे रतन जी को रतन टाटा साहब को उनकी कुछ ऐसी यादों को लगातार याद करके जो शायद कभी हमारे मन से नहीं जाएगी एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद श्रद्धांजलि जारी रहेगी